वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई बदलाव नहीं है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास एयर शो का आयोजन, सूर्य किरण टीम ने दिखाए करतब। 10 मिनट तक चला सूर्य किरण का एयर शो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक हुए रोमांचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं, कहा 140 करोड़ लोगों की दुआएं आपके साथ। फैंस का जोश दिखा हाई, भारी संख्या में स्टेडियम पहुंचे फैंस। भारी संख्या में अहमदाबाद पहुंचे फैंस, एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए विश्व विजेता कप्तानों को न्योता, सभी विजेताओं का किया जाएगा सम्मान। दोनों टीमों के कप्तानों ने कप के साथ कराया फोटोशूट, शानदार कलाकारी के बीच ट्रॉफी के साथ दिखे दोनों कप्तान। शानदार होगी वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी, 500 डांसर्स करेंगे परफॉर्म। क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीतम और जुनिता गांधी करेंगे परफॉर्म, प्रीतम ने ही वर्ल्ड कप थीम सॉन्ग को किया था कंपोज। स्टेडियम में खास तरह की बग्गी की गई है तैयार, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम अपनी टीम के साथ करेंगे परफॉर्म। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद होगा ड्रोन शो, दिल्ली से खास कंपनी को बुलाया गया। विश्व का फाइनल को भव्य बनाने की तैयारी, 9 मिनट तक चलेगा 1200 ड्रोन्स का शो। ड्रोन शो में बनाई जाएंगी वर्ल्ड कप से जुड़ी तरह तरह की आकृतियां, भारत का रक्षा भी बनाया जाएगा। ड्रोन शो से पहले की जा रही तैयारियां, सभी ड्रोन्स की हो रही है जांच। शो के दौरान स्टेडियम का दिखेगा भव्य नजारा, लेजर शो और आतिशबाजी का भी आयोजन। अहमदाबाद पहुंची सूर्य किरण टीम, 10 मिनट तक दिखाएगी करतब। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखाई देंगे ऐतिहासिक पल, वर्ल्ड कप के विजय लम्हों पर दिखाई जाएगी 20 सेकंड की फिल्म। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां पूरी, सुरक्षा के किए गए हैं सख्त इंतजाम। सुरक्षा में 6000 पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात, चेतक कमांडो की 2 टीमें तैनात। फाइनल देखने जा रहे यात्रियों को रेलवे ने दिया तोहफा, मुंबई से चलाई गई स्पेशल ट्रेन। भारत ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला देखने के लिए दर्शकों में उत्साह, स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद पहुंचे दर्शक। फाइनल मैच देखने के लिए अमेरिका से अहमदाबाद पहुंचा फैन, 1,00,000 रुपए की टिकट खरीदी। मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में पहुंचा फैन, भारतीय जीत के लिए आजमाया टोटका। वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लिए बॉलीवुड सितारों का जोश हाई, स्टेडियम पहुंची उर्वशी रौतेला। लंदन से अहमदाबाद पहुंचे भारतीय टीम के फैन, गाना गाकर किया टीम को सपोर्ट। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सोनिया गांधी ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, वीडियो जारी कर संदेश दिया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारतीय टीम की जीत की जताई उम्मीद, कहा टीम ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में भी करेगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, बोले भारतीय टीम को अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत, ऑस्ट्रेलिया को हल्के में ना ले। सूर्य कुमार यादव के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले उनके कोच विनायक माने, कहा वर्ल्ड कप में सूर्या को जब भी मौका मिला अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। योगी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र बोले भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन दोहराएगी और कप लाएगी। भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के दोस्तों में दिखा उत्साह, बचपन से ही तरह तरह के शॉट्स खेलने में माहिर थे सूर्या। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को उम्मीद, छठी मैया की कृपा से जीतेगी भारतीय टीम। पटना में गंगा घाट में उतरकर खेल प्रेमियों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ्य, भगवान भास्कर से मांगा जीत का आशीर्वाद। यूपी के महाराजगंज में छठ व्रतियों की कामना, इस बार भारतीय टीम जीते कप। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी को जीत की उम्मीद, बोले बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा, कप भारत ही जीतेगा। विश्व कप के लिए सांसद हेमा मालिनी ने दी शुभकामनाएं, भारतीय टीम की जीत की उम्मीद की।
लोक गायिका निधि सिंह की छठी मैया से प्रार्थना, इस बार भारतीय टीम कप जीते। वाराणसी में युवाओं पर छाया क्रिकेट का खुमार, भारतीय क्रिकेटर्स का टैटू बनाने के लिए दुकान के बाहर भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में बजाया गया ढोल, शिवदन्या प्रतिष्ठान में दिखा उत्साह। टीम इंडिया की जीत के लिए की गई प्रार्थना, दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती। विश्व कप फाइनल के लिए महाकालेश्वर में विशेष आरती, महाकाल से की गई जीत की प्रार्थना। मथुरा में भी की गई जीत की कामना, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हुई पूजा। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, टीम इंडिया की जीत के लिए हुई प्रार्थना। मथुरा में साधु संतों ने की टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना, विधि विधान के साथ हुआ हवन पूजन। यूपी के बलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले को लेकर मंदिरों में प्रार्थना, विशेष आरती में गीत गाकर गायकों ने शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हवन पूजन, भारत की जीत के लिए मांगी दुआ। यूपी के सीतापुर में बनाई गई मानव श्रृंखला, छात्रों ने भारतीय टीम की जीत के लिए बनाई रंगोली।